यह कहानी बाप और बेटे की है। आज के इस रफ्तार भरे दौर में हर व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यस्त है, अपने परिवार को भी समय देने के लिए उसके पास समय नहीं है। आज मैं आपके लिए परिवार से संबंधित कहानी लेकर आई हूँ, जिससे हम सब परिवार की अहमियत को समझ सकें। यह कहानी बाप और बेटे की है। एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ पतंग उत्सव में गया था। इस उत्सव में लोग रंग बिरंगी पतंगे उड़ा रहे थे। यह देख उस व्यक्ति का बेटा बेहद खुश हो गया। उसका मन भी पतंग उड़ाने का करने लगा। उसने अपने पिता से कहा, पापा मैं भी पतंग उड़ाना चाहता हूँ, मुझे भी पतंग खरीद कर दीजिए। बेटे की इच्छा जान उसका पिता दुकान में गया, पतंग और डोर खरीद लाया। उसका बेटा पतंग देखकर बेहद खुश हो गया। उसका बेटा कुछ देर तक पतंग उड़ाता रहा। उसकी पतंग बहुत ऊंची उड़ रही थी, लेकिन वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो चाहता था कि उसकी पतंग और ऊंची उड़े। उसने पिता से कहा, पापा ऐसा लग रहा है कि इस डोर की वजह से पतंग ज्यादा ऊंची नहीं उड़ पा रही है। अगर मैं इसकी डोर काट दूं तो यह पतंग आजाद होकर और ऊंची उड़ने लगेगी। बच्चे ने अपने पिता से जिद की कि वो उसकी पतंग की डोर काट दे। पिता ने उसकी बात मानी और पतंग की डोर काट दी। डोर कटते ही पतंग और ऊंची उड़ने लगी। यह देख बच्चा बेहद खुश हुआ। लेकिन कुछ देर तक वो पतंग ऊंची उड़ी, लेकिन फिर वो एक मकान की छत पर गिर गई। यह देख बच्चा हैरान हो गया, क्योंकि पतंग की डोर काटने के बाद वो नीचे गिर गई थी। उसने अपने पिता से पूछा, पापा ये क्या हुआ, पतंग नीचे क्यों गिर गई, इसे तो आसमान में और ऊंचा उड़ जाना था। तब उसके पिता ने उसे समझाया, अगर तुम्हें यह लग रहा था कि डोर पतंग को ऊंचा उड़ने से रोक रही थी, तो ऐसा नहीं था। डोर पतंग को सहारा दे रही थी। हवा की गति अनुसार डोर खींचकर या ढीला देकर पतंग को ऊंचा उड़ने में मदद मिल रही थी। लेकिन जब डोर को काट दिया गया, तब पतंग को मदद मिलनी बंद हो गई, इससे पतंग नीचे गिर गई। ठीक ऐसे ही जीवन में भी होता है। जब व्यक्ति जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, तब उसे लगता है कि हमारा परिवार उसे डोर की तरह पकड़े हुए है और उसे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने से रोक रहा है। लेकिन हम यह कैसे भूल सकते हैं कि हमारा परिवार ही है जो हमें इन ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। परिवार द्वारा दिए जाने वाला नैतिक बल ही हमें सफलता दिलाता है। यह सुन उस बच्चे को अपनी गलती का एहसास हो गया। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।